दोस्तों नमस्कार, जय श्री शंकर। दोस्तों आज मैं आपको, अगर आपका पेट खराब रहता है तो आपको कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपका पेट खराब रहता है तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यही है कि आप जो भी खाएंगे आपको शरीर में कुछ भी नहीं लगेगा, आप हमेशा परेशान और बीमार से रहेंगे। क्यों दोस्तों? आप कुछ भी प्रोटीन से संबंधित फल या कुछ भी खाएंगे आपको पानी तक नहीं पचेगा अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों अगर आपका पेट खराब होगा तो आपको त्वचा से संबंधित गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों आपको पहले नंबर तो एक बीमारी त्वचा से संबंधित, और दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको पाइस बवासीर, जो इतनी गंभीर बीमारी है कि लोग परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको दोस्तों ये बीमारियाँ हो सकती हैं, और आपको दोस्तों किडनी लीवर से संबंधित आपको बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारे द्वारा पाई जाने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो और जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। तो दोस्तों आपको अपने पेट को स्वस्थ रखना ही है अगर आप अपनी आयु को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपनी लंबी आयु को। तो दोस्तों आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको अपना पेट बिल्कुल स्वस्थ रखना है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने पेट को सबसे पहले सही कीजिए। दोस्तों आपको ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, व्हाइट पैच संबंधी बीमारी भी हो सकती है अगर आपका पेट सही नहीं रहता है। दोस्तों आपका पेट सही नहीं रहता, जैसे आपको अपच की समस्या रहती है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भरा भरा सा रहता है, पेट में जलन सी मची रहती है, आप कुछ खाते भी नहीं, अगर थोड़ा बहुत खाते हैं तो आपको ऐसा लगता रहता है कि मेरे पेट में कुछ भरा भरा है, मतलब आपने खाया भी नहीं उसके बाद भी आपको लगता रहता है कि पेट मेरा भरा हुआ है, फूल सा रहा है, छाती में जलन सी होती है, खट्टी ढकारे आती हैं। दोस्तों अगर आपका पेट फूला फूला सा लग रहा है, भारी भारी सा लगता है, तो इसका मतलब दोस्तों कि आपका लीवर बढ़ रहा है, लीवर ख़राब हो रहा है, आपका पेट ख़राब है, इसी वजह से लीवर में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो दोस्तों आप सचेत हो जाइए और अपने पेट को स्वस्थ बनाइए। दोस्तों अगर आपका पेट सही नहीं है तो आप कुछ भी खाओगे, थोड़ा भी खाओगे तो आपके सीने में जलन सी होती है, खट्टी डकारें सी आएंगी, आप परेशान हो सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा ही। और दोस्तों पहला सुख है आपका निरोगी काया। दोस्तों जीवन का पहला सुख इंसान का होता है कि उसकी काया जो है, उसका शरीर है, उसकी बॉडी वो निरोगी हो, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो दोस्तों आप जीवन जिंदगी का कोई भी मज़ा अपने जीवन का नहीं ले सकते। क्यों? अगर आप स्वस्थ नहीं हैं। दोस्तों मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, पेट से संबंधित आपको कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आप इसको उपाय अगर को करेंगे तो आपको सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपका जीवन इतना खुशहाल हो जाएगा, आप खुद देखेंगे कितनी भी पुरानी कब्जियत हो ठीक हो जाएगी। दोस्तों आपको एक ग्लास पानी लेना है और एक चम्मच जीरा। दोस्तों क्या करना है आपको कि एक ग्लास पानी लेना है और एक चम्मच जीरा उसमें मिला लेना है, और उस पानी को दोस्तों करना क्या है, जो जीरा मिला हुआ पानी है एक चम्मच, टीस्पून, एक टीस्पून चाय के चम्मच के बराबर जीरा लेना है, और उसको गर्म करना है आपको, आपको गैस पे रखकर उसको गर्म करना है एक ग्लास पानी में, और दोस्तों तब तक गर्म करना है उस पानी को, जीरा मिले हुए पानी को, जब तक आपका पानी आधा कप ना बच जाए, तब तक आपको गर्म करते रहना है धीमी आंच पे। दोस्तों ये चमत्कारी बिल्कुल उपाय है अगर आप इसको करेंगे। इसको करना क्या दोस्तों, जो आधा कप बचेगा आपका पानी, उस कप को, उस पानी को दोस्तों आपको घूंट घूंट गर्म ही पीना है आपको, दिन में 2 से 3 बार। दोस्तों अगर दिन में 2 से 3 बार ऐसा करेंगे तो दोस्तों आपको कैसी भी कोई समस्या होगी, आपको अपच रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है, लीवर से संबंधित त्वचा से आपको दोस्तों चेहरा निखर जाएगा, बिल्कुल चमकने लगेगा, शाइनिंग देने लगेगा, आपकी त्वचा से संबंधित समस्याएं अपने आप ठीक होने लग जाएंगी, शुगर से संबंधित अपने आप समस्याएं ठीक होने लग जाएंगी, बस आपका पेट सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बीमारियों की जड़ ही पेट है। अगर पेट आपका ख़राब है तो आपके शरीर में बीमारियाँ अपने आप पनपने लगेंगी। दोस्तों इस उपाय को करिए और स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। दोस्तों करना क्या है एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ मैं, कि आपको जीरा लेना है एक चम्मच और एक ग्लास पानी, उसको गर्म करना है तब तक जब तक आपका एक कप, छोटा कप पानी बच नहीं जाता, तब तक गर्म करना है उस पानी को। दोस्तों 3 बार आप करिए, पीजिए, दिन में घूट घूट करके पीजिए 3 बार आप।